आज फाइनल रिपोर्ट्स मिलनी है, ले आऊंगी। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। क्या ठीक होगा? सब खत्म। ऐसे तो ना बोले, अहमद मेरा भी तो बेटा है। मैं भी उसी तकलीफ से गुजर रही हूँ जिससे आप गुजर रहे हैं। अच्छा सुने, याद है डॉक्टर ने कहा था कैंसर के सिम्टम्स पहले से काफी कम है, आप बस अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें और दुआ करें। 5 साल हो गया नादिया, तुम्हारा खुदा और तुम्हारी दुआएं। अगर खुदा सच में होता ना तो हमारा बेटा भी इस तकलीफ में ना होता। तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र बुलंद किया, सो यकीनन मुश्किल के साथ आसानी भी है, बेशक मुश्किल के साथ। इसको सुनने से कुछ नहीं मिलेगा। कल काम पर तो इबादत में मेहनत किया करो और हर वक्त टाइम जाया। अभी वैसे भी कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे। वैसे बोस, सुबह सुबह कुरान पाक सुनने से दिल को बहुत सुकून मिलता है। और मुझे सुकून मिलेगा जब मैं तुझे उस नौकरी से निकालूंगा। बॉस, एक बात पूछूं आपसे। बक, आप खुदा को नहीं मानते? वैसे मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं खुदा है भी या नहीं। लेकिन बॉस, मेरी अम्मी की सोच खुदा को लेकर बहुत अलग है। वो कहती हैं हर गम हर खुशी खुदा की तरफ से होती है, हमें बस उसके फैसलों पे सब्र करना है। बोस, ये तो उसी की रहेगी जिसकी मैंने उस दिन बोलती बंद करवाई थी। अस 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 असफंद। हाँ खुदा है और वो हर जगह है। सर, इस बात का सबूत भी देना आप। उसी ने हमको पैदा किया है, और कौन कर सकता है। सर, आपको क्या आपके पेरेंट्स ने पैदा नहीं किया? ओए, बॉस किधर? पकड़िए, आए तो उसको वापस दे देना। अब निकल यहां से। आइए आइए, तशरीफ लाइए। पढ़े से जी। सर, क्या करवाना पसंद करेंगे? सर, ओह हाँ, बस थोड़ी सी ट्रिमिंग कर दो इसके साथ। कहाँ से तशरीफ लाए हैं? पहले कभी देखा नहीं आपको। मैं दुबई होता हूँ, काम के सिलसिले में यहाँ आया हुआ हूँ। खैर, और सुने सुने दुबई बड़ा मॉडर्न हो गया। हाँ ये तो है, लेकिन एक चीज़ ने मुझे थोड़ा परेशान किया है। वो क्या सर? वो ये कि वहाँ के हालात अब बदलते जा रहे हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसा कि इंसान को इस दुनिया में इतना नहीं खोना चाहिए कि वो अपना असल मकसद ही भूल बैठे। और वो मकसद आपने अपना नाम क्या बताया था? अहमद। नाइस नाइस नाइस, मैं भी कहूँ। आपको पता है मेरे बेटे का नाम भी अहमद है। खैर, सो हमारा मकसद क्या है अहमद भाई? मकसद एक अल्लाह की इबादत करना, उसकी नाफरमानी ना करना, अल्लाह को राज़ी करने की हर मुमकिन कोशिश करना और आखरत की तैयारी। और अगर आपको आखरत में ये पता चले कि कोई अल्लाह कोई जन्नत जहन्नम नहीं है तो?
नहीं, यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसानों की बनाई हुई अपनी दुकानें हैं और हर किसी ने अपनी दुकान को चमकाने के लिए फर्जी खुदा बना रखे हैं। सवाल अच्छा है, यानी आखरत पर शक? नहीं नहीं भाई, नहीं, आखरत पर शक नहीं है, शक नहीं है। इंसान को किसी चीज़ पर शक तब होता है जब उसका किसी दूसरी चीज़ से यकीन उठने लगे। मतलब? मतलब ये कि साइंस ने अभी तक साबित नहीं किया ना कि मरने के बाद कोई हिसाब किताब है या नहीं, कोई अल्लाह का वजूद है या नहीं, मरने के बाद जन्नत या जहन्नम का तसव्वुर है या नहीं। असल में बात यह है अहमद भाई कि मेरा दिमाग ही बात नहीं मानता कि वाकई कोई खुदा का वजूद है या नहीं। अच्छा, मुझे कुछ बातों के जवाब दो तो। हाँ। क्या तुम इन दोनों आंखों से इस दीवार के पार देख सकते हो? नहीं। क्या तुम हवा में जहाज की तरह उड़ सकते हो? क्या तुम अपने दोनों कानों से साथ वाली दुकान में होने वाली बातों को सुन सकते हो? नहीं अहमद भाई, नहीं। बिल्कुल सही। जिस तरह हमारी कान, आंख और जिस्म की लिमिटेशंस हैं, उसी तरह इंसानी दिमाग की भी लिमिटेशंस हैं। एक इंसानी दिमाग कायनात में होने वाली तमाम चीज़ों को नहीं समझ सकता। दिमाग की लिमिटेशंस, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं कुंजेन हूँ? बिल्कुल भी नहीं, आप तो बड़े ज़हीन हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो ये कि बेजान सा बीज जब ज़मीन में डाला जाता है तो वो एक इतने बड़े दरख्त की शक्ल कैसे इख्तियार कर लेता है? एक माँ के पेट में पलने वाले बच्चे का सांस आखिर बंद क्यों नहीं होता? कैसे एक परिंदा अपने दोनों परों से अपने वजूद को हवा में उठाए रखता है? हमें भूख लगती है, हम उसको महसूस करते हैं, लेकिन हमें कोई भूख नज़र क्यों नहीं आती? हवा चलती है, हम उसको महसूस करते हैं, लेकिन आखिर उसका कोई वजूद दिखाई क्यों नहीं देता? जैसे कि गाय घास खाती है और देती दूध है, कैसे? बिल्कुल सही। और तुम ये तमाम बातें अपने जहन से समझना चाहते हो, तो ये थोड़ा मुश्किल है। अगर खुदा सच में है तो वो मुझे मेरे बेटे से जुदा क्यों करना चाहता है? सारी कोशिशें कर ली है, सब कुछ कर लिया, ना वो सुन रहा है ना वो कुछ कर रहा है, मुश्किलों पे मुश्किलें डालता जा रहा है। मैं थक गया हूँ अहमद भाई, ये आजमाइशें कभी ख़त्म नहीं होती। शायद अल्लाह मुझे पसंद ही नहीं करता। لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفرق. अगर अल्लाह तुम्हें पसंद ना करता तो ये आजमाइशें भी बिल्कुल ना देता। दुनिया में बहुत गम और मुश्किलात हैं, लेकिन मैंने जिंदगी से एक चीज सीखी है कि अगर अल्लाह कोई गम देता है या किसी आजमाइश में मुब्तला करता है तो उसके बदले बहुत कुछ देता भी तो है। ये इंसान की गलती है कि इंसान उन नेमतों को देख नहीं पाता। याद रखो, अगर अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत या आजमाइश आती है तो साथ में आसानी भी आती है, ज़रूर आती है। यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं अहमद की। मैं फिर अल्लाह और मेरी दुआएं। भाई, रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र। अल्लाह तो हमारे साथ है, बस हम उससे दूर हो गए। أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون
बेटा, आपका अपने रब की तरफ लौट जाना बेशक मुझे और आपकी मामा को बहुत गमगीन करता है, लेकिन हम भी वही कहेंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे इब्राहिम की वफ़ात पर कहा कि आँख आंसू बहाती है और दिल गमगीन है, लेकिन ज़ुबान से हम वही कहेंगे जो हमारे रब को राज़ी करता है। अगर अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत या आजमाइश आती है तो साथ में आसानी भी आती है, यकीन करो ज़रूर आती है।